सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली वर्कशीट नंबर 39 एंड इट इज फॉर क्लास 9 स्टूडेंट। It has taken from the subject social science geography, and in this worksheet we will understand lesson number 5 natural vegetation and wildlife. As you know, we have discussed earlier the worksheet number 37, 38, और हमने यही उसमें जाना कि what is the natural vegetation, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और इतनी इस नेचुरल वेजिटेशन में डाइवर्सिटी क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डाइवर्सिटी इन नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद हमने हर एक टाइप को डिटेल में भी हमने उसको समझा है, एंड इन दिस वर्कशीट वी विल अंडरस्टैंड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट to protect flora and fauna. So now let's start and understand with me. Some plants commonly used for medicines in India are sarpagandha, jamun, arjun, babool, neem, tulsi, kachnar, etc. देखिए, ये वैसे तो सिर्फ इस वर्कशीट की एक ही लाइन है, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक से इस टॉपिक को जरूर एक बार समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये डिटेल में दिया गया है कि कौन सा जो प्लांट है उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है। तो जो बहुत जो कॉमनली यूज्ड प्लांट्स हैं मेडिसिनल वैल्यू वाले, वो हम लोगों के घर में भी पाए जाते हैं, जैसे तुलसी, नीम। और आप ये देखिए कि इनकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर आपके शरीर में कोई फोड़े फुंसी हो रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, तो आप नीम के पानी से नहा लीजिए, या जुखाम जैसे कफ है, स्नीजिंग है, उसके लिए आप तुलसी को यूज़ कर लीजिए, उसकी चाय बना लीजिए। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारे सराउंडिंग में ये प्लांट्स होते हैं, और इनकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है जो कि शायद हमें पता ही नहीं होती। तो एक बार अपनी टेक्स्ट बुक को आप कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। इंडिया इज़ रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल वेल्थ, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश भारत एनिमल वेल्थ के मामले में, और वो भी इतना डाइवर्सिटी वाले एनिमल वेल्थ के मामले में, बहुत ही ज़्यादा रिच है। इट हैज़ 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, मोर देन 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन द कंट्री, दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। तो देखिए, 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल हैं और मोर देन 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, जो कि, और ये जो है पूरे वर्ल्ड के टोटल का 13% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। देयर आर 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश विच अकाउंट्स अराउंड 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, और पूरे विश्व के लगभग 12% फिशेज हैं उसकी, और उनमें भी 2,546 स्पीशीज फिश की वो हमारे इंडिया में होती हैं। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5% to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एनिमल्स। तो देखिए कि कितने सारे जो वर्ल्ड में रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स एनिमल्स हैं, उसमें भी 5% to 8% हमारे इंडिया में हैं। तो इस तरह से हमारा इंडिया जो है बहुत रिच है, किस मामले में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल वेल्थ के मामले में। एलिफेंट इज़ द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स, और जितने भी मैमल्स हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा, जो विशाल जो एनिमल है वो हमारा एलिफेंट है, एंड इट इज़ फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। और यह जो है हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट जो असम के, कर्नाटका और केरला की है, वहाँ पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो 1972 में जब ये फील किया गया कि कुछ जो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं
वो जो है रिड्यूस हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, तब हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, विच इज़ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड. तो ये एक वन मार्कर क्वेश्चन भी है कि इंडिया में ही केवल लायंस और टाइगर्स पाए जाते हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायंस इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. और आपको पता है कि गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वो लायंस का, इंडियन लायंस का नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पर ये बहुत आराम से रहते हैं. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड झारखंड. झारखंड और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में टाइगर्स भी पाए जाते हैं. एंड इन द सुंदर वंस ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन्स. और हिमालयन रीजन और जो वेस्ट बंगाल में सुंदर वन है वहाँ पर भी ये टाइगर्स पाए जाते हैं. और डू यू नो कि वहाँ पर जो रॉयल वाइट टाइगर है वो वहाँ का फेमस एनिमल है. टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड सी एरियाज ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर टर्टल्स भी हैं, क्रोकोडाइल्स भी हैं, घड़ियाल्स भी हैं, जो कि रिवर्स, लेक्स एंड सी में इंडिया के पाए जाते हैं. तो आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस डिफरेंस को शायद नहीं जानते कि वॉट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स. तो जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, अगर इनके जो मेन डिफरेंस होता है इनके माउथ में होता है, लेंथ ऑफ द माउथ होता है. तो जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनका जो माउथ की लेंथ होती है वो छोटी होती है, लेकिन जो घड़ियाल्स होते हैं उनकी लेंथ ऑफ द माउथ लंबा होता है. द घड़ियाल्स इज रिप्रेजेंटेड ऑफ क्रोकोडाइल स्पीशीज फाउंड ओनली इन इंडिया. देखिए ये भी वन मार्कर क्वेश्चन है कि जो घड़ियाल है वो क्रोकोडाइल स्पीशीज का रिप्रेजेंटेटिव है और वो इट इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया. मैनी कलरफुल बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया. बहुत कलरफुल बर्ड्स भी हमारे यहाँ पर होते हैं. पीकॉक, डक, पैरट, मैना, क्रेन्स एंड पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड स्पीशीज दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री. और फॉरेस्ट में और वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री यानी इंडिया के जो जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पर ये इतनी तरीके के बर्ड स्पीशीज भी होते हैं. मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ट्रीज एंड एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज विच आर हार्मफुल. तो देखिए ना केवल ये जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अलावा इंसेक्ट्स भी बहुत तरीके के हमारे यहाँ पर इंडिया में इंसेक्ट्स होते हैं. और वो किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में. जब वो पॉलिनेशन करते हैं तभी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं. और ये तो आप साइंस में पढ़ते ही हैं. और साथ साथ वो उन इंसेक्ट्स पर भी अपना बायोलॉजिकल कंट्रोल रखते हैं विच आर हार्मफुल फॉर अस. एवरी स्पीशीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. और इस इकोसिस्टम में हमारे जो भी स्पीशीज हैं, वो चाहे इंसेक्ट्स हों, एनिमल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, सबका अपना अपना एक रोल है. हैंस कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम इज असेंशियल. और इस तरह से इस इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, नहीं तो हमारा सारा इको बैलेंस ख़राब हो जाएगा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, द मेजर रीजन फॉर द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर पेपर में आपको क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है. तो यहाँ पर बहुत जो है बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ब्रीफली यहाँ पर आपको जो लिखा गया है पॉइंट्स, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. तो वॉट आर द पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन? द मेजर रीज़न फॉर द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम इज एक्सेसिव हंटिंग बाई ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पजेज. देखिए जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, कई लोग ऐसे ग्रीडी हंटर्स हैं, ग्रीडी लोग हैं, जो कि अपने कमर्शियल पर्पज के लिए इन एनिमल्स को हंट करते रहते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं. तो ये एक बहुत मेन रीज़न है. पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, और बहुत सारे जो केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा फॉरेस्ट में आता है, रिवर्स में आता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं और ये जो हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो रहा है. इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इनहैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस ऑफ
इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट। तो देखिए बहुत सारे और भी रीजंस हैं, जैसे ये यहाँ पर एलियन स्पीशीज लिखा है। व्हाट इज द मीन ऑफ एलियन स्पीशीज? एलियन स्पीशीज का मतलब है कि जो बाहर से स्पीशीज यानी इंडिया के आउट ऑफ इंडिया जो स्पीशीज अब वो यहाँ पर आ गई हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारी इंडियन स्पीशीज होती हैं वो खत्म होती जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा जो है ब्लाइंडली फॉरेस्ट को कटिंग कर दिया जाता है, किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए और इनहैबिटेशन के लिए, घर बनाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस का रीज़न है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी रीजन आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड दियर फिजिकल एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और अब हम जो जानना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो ये है कि वॉट इज इकोसिस्टम। तो आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सबको मिला के इकोसिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है उसका मतलब भी यही है कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी रीजन आर इंटर रिलेटेड। किसी भी रीजन के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी वो रिलेटेड होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इज इकोसिस्टम। वाई लार्ज इकोसिस्टम्स विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन और एनिमल लाइफ आर कॉल्ड बायोम। और नेक्स्ट वन मार्कर क्वेश्चन भी ये है कि वॉट इज बायोम? तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन या एनिमल लाइफ को हम, और उनका जो लार्ज इकोसिस्टम होता है उसको हम बायोम कहते हैं। समझ में आया कि वॉट इज बायोम? द लार्ज इकोसिस्टम विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन और एनिमल लाइफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। यानी भारत में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, दैट इज रिजर्व्ड एरिया, हैव बीन सेटअप इन द कंट्री। यानी पूरी कंट्री में 18 बायो रिजर्व्स सेटअप किए गए हैं। ऑफ दीज 10 इन जो 10 जो हैं ऑफ दीज 10, उसमें सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नीलगिरीज केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु, नॉकरेक और ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी एंड अचनकमर अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड्स बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखिए ये जो अभी अभी मैंने जो आपको समझाया कि कौन कौन से रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपके इस लेसन के मैपिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आप इनको अगर एक बार समझ लेंगे ना कि सुंदरबन कहाँ पर है और सिमलीपाल, मानस वगैरह कहाँ पर हैं, ये आपके मैप में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सेकेंड इज सिंस 1992 द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू बोटैनिकल गार्डन्स। देखिए और 1992 से गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की कर रखी है कि जो जितने भी ये बोटैनिकल गार्डन्स हैं उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया है ताकि इन फ्लोरा एंड फौना को, इन एनिमल्स को, प्लांट्स को हम सेव कर सकें। थर्ड इज सेवरल स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर प्रोजेक्ट टाइगर, राइनोसस कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रखे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इज़ द फेमस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको आप ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा जो राइनोसरस कंजर्वेशन है उसके लिए भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी बस्टर्ड का मतलब है जो भैंसा, ग्रेट भारतीय भैंसा जो है, उसके संरक्षण के लिए भी, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू कर रखा। और इसके अलावा बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। फोर्थ इज 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेवरल जूलॉजिकल गार्डन्स हैव बीन बिल्ट टू प्रोटेक्ट नेशनल प्लांट एंड एनिमल वेल्थ। और इसके अलावा देखिए इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन्स भी हमारी गवर्नमेंट ने बिल्ड किए हैं। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द नेशनल प्लांट एंड एनिमल वेल्थ। और एक तो हमारे दिल्ली में भी है ना जू जो है, वो भी इसी के अंडर में आता है। सो नाउ लेट्स मूव आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर वन इज
वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम? तो ये तो अभी अभी हमने समझा भी है. द प्लांट्स एंड द एनिमल्स ऑफ एनी रीजन आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट इज वो उनके साथ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. यानी अभी हमने समझा था ना कि प्लांट्स और एनिमल्स किसी भी रीजन के हों वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और अपने फिजिकल एनवायरमेंट के साथ भी वो रिलेटेड होते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाट वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हेन वाज द इंडियन प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो देखिए कि आपको ये बताना है कि जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ एंड वाई कंजर्वेशन ऑफ एनिमल इज नेसेसरी. तो ये तो हमें पता ही है कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स इज मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग रीजंस. क्यों जरूरी है हमारे लिए एनिमल्स को कंजर्व करना? फर्स्ट रीजन इज, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. तो हमें इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए उनको बचाना चाहिए. एनिमल्स आर ऑल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट फॉर आर लाइफ. कैसे हैं इम्पॉर्टेंट? दे हेल्प अस एज अ मीन्स ऑफ गिविंग मिल्क, कैरिंग बर्डन, एग्रीकल्चर वर्क एंड ट्रांसपोर्ट. और फोर्थ इज, मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड ट्रीज एंड ऑल्सो कीप बायोलॉजिकल कंट्रोल ओवर हार्मफुल इंसेक्ट्स. थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन ये आता है. आंसर इज, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स रिजर्व्ड एरिया हैव बीन सेट अप इन द कंट्री. सेकेंड इज, सिंस 1992 द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू बोटेनिकल गार्डन्स. एंड द थर्ड इज, सेवरल स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रोजेक्ट टाइगर्स, राइनोसेरस कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी इको डिवेलपमेंट्स. एंड द फोर्थ इज, 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेवरल जूलॉजिकल गार्डन्स हैव बीन बिल्ट ओवर द कंट्री. फोर्थ क्वेश्चन इज, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोम? तो इकोसिस्टम्स विद अ स्पेसिफिक टाइप of vegetation or animal life are called biome. And the last question of the worksheet is question number 5, what steps can you take for the protection of animals and birds wealth? To dekhiye kya hum steps le sakte hain. To answer is, we should spread awareness about this through various social programs. Social programs के through हम ये awareness फैला सकते हैं लोगों में. People should be made aware to plant more and more trees. उनको ज़्यादा से ज़्यादा trees को plant करने के लिए हमें aware करना चाहिए. Third is, the importance of animal protection measures should be included in school curriculum. School curriculum में हमें animal protection को measure, जो उनके measure हैं उनको शामिल करना चाहिए ताकि सब लोग उसको समझें. Fourth is, people should be made well aware of their role in keeping the environment balanced by animals. Yani animals ka kya role hai is environment ko balance karne ke liye, to hame logon ko ye samjhana padega. And we should also oppose hunting of animals and birds ourselves and motivate others to do the same. तो हमें खुद भी अपोज करना चाहिए हंटिंग ऑफ एनिमल्स और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.